आई लव इट। हाँ तो मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं रोऊं बैठ। बाहर में जाओ, जो करना है करो पहले। हाँ कपल बोलते बोलने दो ना, अच्छी बात। यस यस। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे छाने वाले लोग। सोशल मीडिया की अगर बात चली है तो सोशल मीडिया पे हमेशा दो तरह की ऑडियंस होती है। जी। वो जो हमें बहुत ज्यादा प्यार देते हैं जी, वो जो हमारे बारे में बहुत निगेटिव बातें करते हैं। सोशल अच्छी बातों को तो हम डील कर लेते हैं, लेकिन निगेटिव बातों को अच्छे से। आई लव इट। हां मेरे को बहुत मजा आता है, वो जितना भी करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी हैसियत और अपनी असलियत दिखा रहे हैं, तो मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रोऊं बैठ के। वो मेरे लिए ये कमेंट कर दिया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जितने कमेंट्स करने करो, आई डोंट केयर। मेरे को ना तब पढ़ा ना अब पढ़ेगा। नहीं कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि हमेशा ना लोग कभी नहीं हुआ है। मतलब क्या क्या क्वेश्चन? जब भी आपने अपने आप को कुछ बताने की कोशिश करी है, जाहिर करने की कोशिश करी है, लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां करी, मेरे को लगता है ये अपनी टिप्पणी अपने में घुसा के रखे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी ऐसे लोगों से, ये जो फेसलेस हैं जिनकी शक्लें नहीं देखी है, उनको मैं भाव नहीं देती, मैं तवज्जो नहीं देती हैं। मेरा ये मानना है भाड़ में जाओ, जो करना है करो, पहले इस औकात पे आओ, फिर गिरेबान झाको अपना, देन टॉक टू मी डूड। डांस मुझे अच्छा लगता था पहले से ही, लेकिन ईशान जब से आया है मेरा ग्रुप में, मेरा फ्रेंड, तो मुझे तब से बड़ा मज़ा आता है डांस करने में, क्योंकि उसके भी मूव्स थोड़े सेक्सी टाइप के हैं, मेरे भी थोड़े सेक्सी सेक्सी टाइप के मूव्स हैं। यस ऑलवेज। यस यस यस। हाँ कपल बोलते बोलने दो ना, अच्छी बात है, उनको क्या मतलब है, कपल है ना, डांस ऑन स्क्रीन कपल तो है डेफिनेटली। यार जल्दी आ जाए, हम टीवी पे फिर आग लगाएंगे, फिर तो आपको पता है जैसे ही मैं ऑन स्क्रीन आ गई तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ते।